हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, यार फाइनली बैक विद अनदर पबजी मोबाइल की वीडियो। यार कल वीडियो नहीं आई क्योंकि यार क्यों नहीं आई मुझे खुद नहीं पता। और यार मतलब ना मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इशू कर रहा है। तो यार मैंने कल नेट वाले को बुलाया था घर पर कि यार इसका कोई हल करो भैंस की, तुम 6 MB का नेट है वो लहदा वादा है पूटी सी है। तो यार 6 MB नेट में मतलब अलग तीनों मोबाइल चलते हैं तो यार बहुत ज़्यादा 6 MB नेट होता है यार, लेकिन नेट बहुत चवलियाँ मार रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, उसने कहा है भाई कि ये पबजी मोबाइल बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, इसके लिए अगर आपको चाहिए तो एक ना अलहदा कनेक्शन लगवाओ। तो मैंने कहा भाई क्यों लें, मैं दो दो पैसे क्यों भरूँ भाई, जब एक में गुजारा होता है स्ट्रॉन्ग फाइबर में होता है। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने ऐसा करना है तो आपके लिए एक सीधा मशवरा है कि आप एक डिवाइस ले आओ, हम पता नहीं कैसे करके ना उसको कनेक्ट कर देंगे यार, उन्होंने उनको पता है कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा 3 MB आपकी एक डिवाइस में आएगी स्पीड और 3 MB आपकी एक डिवाइस में स्पीड आएगी। तो मैंने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा, उसने कहा इससे 3 MB में आपका नेट बिल्कुल चौक नहीं होगा, आप जो दो मोबाइल चलते हैं लहदा उनको आप लहदा एक नेट पे चलाओ और जो पबजी चलती है वो एक नेट पे चलेगी, इससे आपका जो पिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, बिल्कुल स्टेबल आएगी। मैंने कहा भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और तो यार अभी तक मैंने नेट की डिवाइस का पता नहीं किया, ठीक है उसका पता करना है, तो यार उसका भी पता कर लेंगे यार। तो सबसे पहले छोड़ो यार वो लहदा बातें हैं, तो चलो यार गेम प्ले पे आते हैं। तो यार चेक करो बंदे ने क्या हैवी नेड मारा है, वो शुक्र है कि हम बच गए हैं यार, नहीं तो हल्का सा नेड थोड़ा मेरे पैरों थल्ले होता तो मैं लुढ़क जाना। तो यार यहाँ पर चेक करना यार, ये हर मैच की कहानी है मेरी ज़ुबानी है भैंस की, तुम चेक करो भाई, मतलब ना मैं जंप मारने से इसलिए डरता हूँ भैंस की, तुम बंदा ऊपर चढ़ गया ना तो एल लग जाएंगे। तो यार यहाँ पे बहुत गलत सीन हुआ, चेक करो M249 लेके मेरे पीछे ऐसे पड़ा है भैंस की, तुम जैसे इसकी खाला का लड़का हूँ मैं। तो यार टेंशन नहीं लेनी, अभी चेक करो सीन मेरे साथ हो क्या रहा है यार, मतलब भैंस की तुम कैंपर हर इसको ये ड्रगर क्या नाम था इसका, पता नहीं क्या नाम था यार मुझे नज़र नहीं है ऐसी। तो यार जो भी है इसको मेरे अभी इसको मेरे टीममेट ने मारा था यार मेरे स्टैंड में, भैंस की तुम इधर आगे ने कैंपिंग कर ली। अभी चेक करो ये सीन नहीं है, अभी चेक करना अभी क्या होगा यार, क्या लानतियों वाले काम है पाकिस्तानियों तुम लोगों के यार, कैंपिंग 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 करके रहते हो यार 24 घंटे कैंपिंग। तो उसको मारना तो उसको मार लेते ना भैंस की, तो मुझे क्यों मारा है। तो यार छोड़ो खैर है, मिस कराओ यार इस बात को। यहाँ पे हम आते हैं, दो बंदे लुढ़काते हैं, तीसरा बंदा यहाँ पे नीचे उतरता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ लेकिन वो मिलता नहीं है। अभी एक बंदा ऊपर है, चलो पुश कराते हैं, वो बंदा कहता है नहीं आप रुको यार मैं आता हूँ नीचे, क्या हो गया। तो बंदा नीचे आता है, इसकी मारते हैं, इसको लूट छूट कराते हैं इसकी ज़रा। तो यहाँ पे चेक करना भाई, ये बंदे होते हैं WWE, पता नहीं इसके पास है, इसके टीममेट के पास वो थी स्कारल अपग्रेडेड, तो किल मैसेज भी आया था जो कि अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह नाइस। तो यहाँ पे ये बंदा रिवाइव हो चुका होता है, तो हम फिर मेरे ख्याल में जिसको मैंने इसको इस भाई को WWE अधीन, हाँ इसके पास थी स्कारल अपग्रेड और M4 भी आपने देखा है कि यार किल Level 5 तक तो होगी, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो उधर से मैं मिस करा के यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे एक बंदे का साउंड आता है, यकीन करो पहले मुझे लगा था ये बोट है, मैंने अन्य वापस कराया था। तो यहाँ पे इसका मुझे साउंड आता है घर के बाहर, एक और बंदा है जिसको साइड से पड़ जाती है और बेचारा हेल्थ लगा रहा होता है, और मैं इसको ज़रा लोबी पहुँचाने में इसकी मदद कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, अभी इसका एक जो बंदा इसको मारा था वो इस घर में आ चुका है जहाँ पर मैं उस टाइम पर, तो चलो इसको पकड़ते हैं। और यहाँ पे इसको डैमेज दिया मैंने थोड़ा बहुत, तो अभी चलो इस पे पुश कराते हैं, सीधा अंदर घुस जाएंगे और इसको नॉक करा देंगे। लेकिन अब इसका टीममेट आ रहा है, उसको भी पकड़ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे इसका टीममेट आया और ये भाई साहब आहो भाई, इसने तो एक गोली भी मतलब नहीं मार सका बेचारा। तो यार ये जो मेरे पैरों में आले दुआले घूमने शुरू हो जाते हैं ना, जो मैं ऐसे काम पहले शुरू पबजी में खेलता था ना तब शुरू किए थे भाई ये काम, तो भैंस की तुम अभी मुझे बड़ा गुस्सा था जब गोल घूमने लग जाता है भैंस की तुम, बंदा पूछे क्या टट्टी तुम लोग खेलते हो, तुम लोग नहीं मतलब जो नए प्लेयर होते हैं ना। तो यार छोड़ो खैर है यार, मैं भी पहले ऐसे खेलता होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा सीख जाता है। तो यार आते हैं अपने 1v3 के ऊपर, यहाँ पे उतरते सारी मैं ज़रा खेल रहा था लड़की के साथ, मेरे ख्याल में लड़की, अभी मुझे नहीं पता भाई कौन है लड़की है लड़का या समझ गए ना। तो यार इस पर मैं आते सारी 1v3 हो जाएगा आपके भाई का, चेक करो आपके भाई ने आते सारी कैसे बंदे पहलने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बंदे लुढ़का दिए हैं, चलो इसके लुढ़ करते हैं मज़े मज़े से और यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ चेक करना भाई स्प्रे, अन्य वाह वाला स्प्रे जिसको कहते हैं ना। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं नोक कराता हूँ, ठीक है, मैं चेक कर रहा होता हूँ कि इसका कोई दूसरा बंदा है या नहीं, क्योंकि एक गाड़ी आई थी, तब तक मेरे टीममेट पे बंदे आ जाएंगे और मैं ये क्यों चेक करो है टन टन भाई, क्रिप्टो बन गया हूँ मैं, क्रिप्टो भाई मैं प्रो प्लेयर हूँ, आप भी आप मेरे से ज़्यादा प्रो, वो लहदा बात है। तो चलो इन बंदों को यहाँ पे हम लोबी पहुँचा देंगे, मुझे लगता है सामने वाला फिनिश होगा, लेकिन नहीं भाई इसको टीममेट आकर उसको राइट शॉट देते हैं। तो यहाँ पे यार इस दो बंद एक किल मुझे मिल जाएगा, बाकी सारे किल चोरी हो जाएंगे, तब तक पूरा मैच ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आ भाई जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर,
तो यहाँ पे इन बंदों पे 1v4 की फाइट है, ठीक है। ये बंदे होते हैं थोड़े लदा, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो यहाँ पे यकीन करो, मैं अगर मैं ऐसे ही देख रहा था, मुझे पता ही नहीं था इधर बंदा है, कसम ले लो, मैं लदी कसम खाना, बस नहीं पता सी। तो यहाँ पे एक जो किल होता है आखिरी, वो मेरा टीममेट चूक लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यार ये अनरैंक में होता है भाई, मैं जेन्युइन बात है, आप समझ रहे हो, ये बोटे हैं भाई, बोटे नहीं है, मैं बताता हूँ, लोबी बड़ी हैवी है। तो यहाँ पे चेक एंड पे मैंने दिखाया भाई मैं कैसा गंदा मारा हूँ यार, उसने बंदे ने बहुत गंदा मारा था। तो यहाँ पे यार बंदे ना बहुत ज़्यादा स्प्लिट हुए होते हैं, हालांकि ये एक स्क्वाड है लेकिन स्प्लिट हो के खेल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने एक बंदा नो किया बेचारा, उसको रिवाइव देने आया था, और यहाँ पे ये भी चला जाता है। तो किट मार के मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पुश कराता हूँ, और ये बेचारा अभी तक बाहर देख रहा है, क्या नाम, जोकर ओपी भाई, जोकर भाई हैवी। तो यहाँ पे इनको फिनिश कराते सारे ये बंदे दोबारा आ जाएंगे, और यहाँ पे चेक कर M24 की शॉट, मैं इसको मारता हूँ, लेकिन वो लदा बात है, ये नोक नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो, लगी है, जेन्युइन बात है, ठीक है। अभी चेक करना भाई, एक गोली, एक या दो गोलियां लगी इसको, नोक हो गया, मतलब इसको M24 लगी थी। तो यहाँ पे इसको हम फिनिश कराते हैं, ठीक है, तब तक इसके दूसरे बंदे भी आ जाएंगे। और यहाँ पे M24 की शॉट मैंने जल्दी जल्दी में दिखा दी, मुझे भी एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करो, इस बंदे के साथ बड़ा गलत हुआ, अंदर बोट होता है, और ये बोट को मारते मारते उसकी तरफ एम चला जाता है, मैं इसको इजीली यहाँ पे मार दूंगा। तो यहाँ पे इनका आखिरी बंदा होता है, ये बेचारे का इंटरनेट ख़राब होता है, इसलिए मुझे इंटरनेट ख़राब है, बड़ा गंदा डैमेज दिया था, इसलिए मुझे पता है इसका इंटरनेट ख़राब है। और यहाँ पे बंदे चेक करो भाई, गलत मार गए। तो यार वीडियो यहीं तक थी, अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, बाय बाय।